नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आपसी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाई आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने ईमेल में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। इससे आपको ये फायदा रहेगा, आपको कहीं भी कभी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल से। तो आज के वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। हम चलते हैं अपने जीमेल के ऐप में। ये रहा कोने में जीमेल का ऐप, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कोने में एक प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कंपोज में देखिए फ्रॉम पे आपका ईमेल आईडी शो हो रहा है। आप जिस ईमेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं आप यहाँ पर 2 की जगह आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो फिलहाल हम यही वाले ईमेल आईडी को डालेंगे। तो फाइनली हमने इस ईमेल आईडी को डाल दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखिए सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्ट का नेम रखना है। तो हम यहाँ पर रखते हैं माई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स सेव कर रहे हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम जो रखा है माई डॉक्यूमेंट्स। अब आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा है कंपोज ईमेल, आप क्या कंपोज ईमेल का नाम रखना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर फोटो डाल देते हैं। उसके बाद आपको ब्लू के बगल एक पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दो तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, पहला जो है अटैच फाइल और दूसरा जो है इंसर्ट फ्रॉम डिवाइस। तो हम यहाँ पर अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कोने में 3 लाइन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं अपने फोटो में। फोटो में चलने के बाद हमने यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स करके एक फाइल सेव करके रखा है, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने मार्कशीट को सेव करेंगे। इसी तरीके से आप अपने और डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स को ले लिया है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको यहाँ पर कट का निशान दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। और इस तरीके से आपको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए वो यहाँ से हट जाएगा। अब आपको एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ईमेल पर ये सेंड हो रहा है। तो फाइनली इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से सेव कर सकते हैं ईमेल में। यहाँ पर थोड़ा सा नेट जो है स्लो है, तो अभी तक ये सेंड नहीं हो पाया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।